नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। 26 फरवरी 2021 शुक्रवार को थाना ककवन में वार्षिक निरीक्षण हो पहुंचे एसपी ग्रामीण ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने थाना परिसर में साफ सफाई सहित मालाखान कर्मचारियों का टर्नओवर सहित सभी कर्मचारियों की समस्या सुनी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं शास्त्रों के विषय में विशेष जानकारी दी गई, जिसमें कि शास्त्रों को खुलवाया व बनवाया भी गया व शास्त्रों समय समय पर साफ सफाई की आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं SIT के द्वारा शास्त्रों का जो सत्यापन किया जा रहा है उसके विषयों में जानकारियाँ हासिल की। आवासीय परिसर व महिला हेल्प डेस्क सहित सभी इकाइयों का थाने में विधिवत निरीक्षण किया गया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बताते चले कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी SP ग्रामीण थाने का निरीक्षण किया बारीकी से और सभी शास्त्रों अभिलेखों कंप्यूटर कक्ष व आवासीय परिसर का निरीक्षण किया गया, परिसर की व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उनके साथ CEO बिल्हौर राजेश कुमार व थाना अध्यक्ष ककवन संतोष कुमार ओझा व समस्त थाने का स्टाफ मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान पूरा फोकस महिला हेल्प डेस्क पर रहा और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर जागरूक करने की बात कही गई। BCN न्यूज के लिए कानपुर से विवेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टंडला क्षेत्र में अपहरण हुए युवक को पुलिस ने आगरा जिले से बरामद किया। बदमाशों ने अपहरण की पत्नी से 10 लाख की फिरौती की मांग की थी। फिरोजाबाद के थाना टंडला पुलिस और SOG पुलिस ने कैलाश चंद्र नामक युवक को बदमाशों के चंगुल से आजाद कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह थाना टंडला के हजरतपुर NH2 से कैलाश नामक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगी थी। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी वैसे ही फिरोजाबाद की पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर अपहरण को आगरा जिले कर थाना खिंदौली के गांव से सकुल बरामद किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। जहां पे आज प्रातः करीब 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक कैलाश यादव उर्फ कैलाश चंद्र, पिता का नाम फौरन सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, इनका बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती इनसे परिवार से मांगी जा रही है। इनकी पत्नी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई 364A IPC का, और अपहृत की बरामदगी के लिए 5 टीमें, 3 तर्रार टीमें, हमने अपहृत को सकुशल आगरा के खंदौली इलाके से पुराने मकान से 8 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता पाई है। अपहरण की बरामदी के लिए फिरोजाबाद SSP अजय कुमार पांडे ने कुल 5 टीमों को लगाया था, जिसमें पुलिस को कैलाश नामक अपहरण को बरामद करने में कामयाबी मिली है। अब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं के नाम मुकेश कुमार बघेल, ब्रजकिशोर बघेल है और निवासी थाना खदौली क्षेत्र के गाँव नगला नैनसुख है। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिपोर्टर रिहान अली की रिपोर्ट। किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर ने कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बताया 23 को किड्स को इंटर कॉलेज की जिन 2 शिक्षिकाओं को बताया था पॉजिटिव, इनकी रिपोर्ट आई है नेगेटिव। फिरोजाबाद में किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर ने अपने स्कूल में मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि 23 फरवरी 2021 को किड्स कॉर्नर इंटर कॉलेज हिंदी मीडियम की 2 शिक्षिकाएं कोरोना पॉजिटिव बताई गई थी। बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ये तीसरी कार्रवाई है। एक ही स्कूल पर अगर स्वास्थ्य विभाग की अगली एक कार्रवाई यदि होती है तो मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ ये स्वास्थ्य विभाग किस तरह अपनी कार्रवाई को इंगित करता है। एक स्कूल पर 3 बार स्वास्थ्य विभाग पहुंचा और सारे टेस्ट किए और जो स्कूल शहर के बाहर स्थित है उनके यहाँ एक भी बार नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वाकई बहुत क्रूर तरीके का कार्य स्वास्थ्य विभाग ने किया है, जिसके लिए CMO दोषी है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सब देख रहे हैं, मेरे साथ अन्य स्कूल संचालक भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। ये तो तुरंत उन्होंने एक बार जो रैंडम मतलब तुरंत जो तुरंत रैंडम एंटीजेंट होता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। आप मोबाइल में देख के बता देते हैं कि हाँ सब पॉजिटिव है, और ये स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से मैंने इसको बकायदा कंफर्म किया, उन्होंने कहा इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, विद द नेम इसको छाप नहीं सकते। फिर भी छापा, विद द नेम स्कूल के नाम से छापा, किड्स कॉर्नर की 2 शिक्षिकाएँ संक्रमित,
उससे इतनी पैनिकी फैली कि न सिर्फ किड्स कॉर्नर के अभिभावक बल्कि और स्कूलों के अभिभावक भी अपने अपने स्कूलों में कहने लगे, जब किड्स कॉर्नर में आ सकता है तो कहीं भी आ सकता है। इतनी आशंका जो दी गई वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई, और इसमें कोई दोषी नहीं, स्वास्थ्य विभाग दोषी है। जिस अगर आपको टेस्टिंग करानी है आप हमारे यहाँ आइए, हम चेकिंग कराने को बिल्कुल तैयार है। क्या आपने सरकारी स्कूलों के अंदर भी चेकिंग का अभियान चलाया? मेरी जानकारी में आपने अभी तक एक भी नहीं चलाया, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पे है। उसका रीज़न है कि आपको प्राइवेट स्कूलों से कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। आप स्कूलों में जाना चाहते हैं, वहाँ चाहते हैं कि वही स्कूलों में जाएंगे, वहाँ से अगर कोई हम उनको डरा धमका के कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप अपनी पॉलिसी जो भी लागू करना चाह रहे हैं, एक तरफ से सबके लिए समान पॉलिसी लागू करके काम करें। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान स्कूल संचालक मनीष द्विवेदी, नंदिनी यादव, रूबल मल्होत्रा, मनीष शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, आशीष शर्मा, अतुल यादव, राहुल यादव, सौरभ लहरी आदि लोग मौजूद रहे। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 3 शातिर अपराधी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने तीनों अपराधियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक बदमाशों ने बचाव में पुलिस पर फायर झोंक दिया। मामला जनपद महोबा के झांसी मिर्जापुर हाईवे का है, जहां देर रात पुलिस द्वारा चेकिंग कर रही थी। तभी 3 शातिर अपराधी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस तीनों अपराधियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक बदमाशों ने बचाव में पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगी। गोली लगते ही अपराधी वही गिर गया, जिससे पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें कि एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे अपराधी। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 26/2/2021 की रात्रि को झांसी हरपालपुर लिंक रोड पर चेकिंग चल रही थी SHO पनवाड़ी के नेतृत्व में। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के काफी तेजी से आ रहे थे। पुलिस पार्टी के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, इस पर उनके द्वारा फायर किया गया पुलिस पार्टी के ऊपर। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक अभियुक्त है अंशु राजपूत, जिसके पैर में गोली लगी है। अंशु राजपूत और विकास राजपूत के ऊपर काफ़ी मुकदमे जनपद के और पड़ोसी जनपद के दर्ज हैं। BCN न्यूज के लिए मोहम्मद सिंह, नितिन नामदेव की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिवार में किसी बात को लेकर बड़े भाई ने छोटी भाई की हत्या कर शव को खेत में दबाया। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के मानक चौक में 4 फरवरी की रात को अचानक गायब प्रदीप पुत्र जयवीर चौधरी का कई दिनों से कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। तो वही परिजनों ने लापता प्रदीप के बड़े भाई भूपेंद्र चौधरी से कड़ाई से पूछताछ की तो सब उगल दिया। भूपेंद्र ने खानदानी परिजनों को बताया कि करीब 20 दिन पहले उसने छोटे भाई को मारकर अपने ही गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबाया है, जिसकी सूचना पुलिस को दी तो गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने भूपेंद्र से पूछताछ की। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने भूपेंद्र के बड़े भाई से पूछताछ की तो भूपेंद्र ने रात को शराब पिलाकर गले में पताई बांधने वाली रस्सी से गला घोटकर मार देना और अपने ही गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया बताया। तो वही पुलिस ने गन्ने के खेत में करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत कर लगभग 3.5 फीट गन्ना हटाकर खुदाई कर शव को निकाला। वही आपको बता दें कि मौके पर CO गढ़मुक्तेश्वर पवन कुमार कोतवाल, शैलेश कुमार ने ग्रामीणों के समक्ष खेत की कराई खुदाई और क्या को बाहर निकाला। खुदाई करने के बाद निकला शव का सिर, फोड़ा और चेहरे पर चोट कर वह पहचान करने का प्रयास किया गया है। वही गांव में भाई ने भाई की हत्या करने पर सनसनी फैली है। प्रदीप अविवाहित है और पिता जयवीर प्रदीप के जन्म के कुछ दिन बाद ही गुजर गए थे। वही प्रदीप की बहन ममता की शादी 2008 में ही हो गई थी। गढ़ थाना क्षेत्र में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि भूपेंद्र नामक व्यक्ति द्वारा अपने सगे भाई को मार के गन्ने के खेत में दबा दिया गया। इस सूचना पर पुलिस पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, खुदवा करके शव को निकलवाया गया। उनके परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त कराई गई। आरोपी भूपेंद्र को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अब भूपेंद्र, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, उसकी विधवा माँ सरोज उर्फ पूर्व देवी प्रदीप सिंह सहित 5 सदस्य परिवार में था, जहाँ माँ सरोज और प्रदीप एक साथ अलग मकान में रहते थे। वही बड़ा भाई भूपेंद्र अपने बच्चों के साथ अलग मकान में रहते थे। मौके पर पुलिस ने हिरासत में लेकर हत्यारे को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा गोवर्धन अलवर मथुरा ट्रैक का उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। दोपहर करीब बजे महाप्रबंधक अलवर से स्पेशल ट्रेन से गोवर्धन स्टेशन पहुंचे, जहां अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर हुए सौंदर्यकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिले रूम व ASM कक्ष में लगे IP कैमरे का उद्घाटन भी किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण व्यवस्थाएं चाक चौबंदी पाने पर महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने ₹10,000 पुरस्कार राशि प्रदान की। निरीक्षण करने आए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी का स्थानीय समाज सेवियों ने गोवर्धन स्टेशन पर स्वागत कर मुलाकात की व 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी गोवर्धन के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की पहचान दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता लंबादर की अगुवाई में समाज सेवी डॉक्टर विनोद दीक्षित, क्रय विक्रय सहकारी समिति के डायरेक्टर जुगल पटेल, व्यापारी नेता गणेश पहलवान व दान घाटी मंदिर के पूर्व मंत्री जितेंद्र पुरोहित ने रेलवे महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में गोवर्धन रेलवे स्टेशन को विस्तारित करने, रेलवे लाइन को कोसी स्टेशन से जोड़कर दिल्ली से जोड़ने, जयपुर गोवर्धन के लिए ट्रेन बढ़ाने, गेट नंबर 23 पर अंडरपास बनाकर खोलने, रिजर्व खिड़की स्थापित करवाने सहित स्टेशन की दीवारों पर स्थानीय धार्मिक स्थलों की चित्रकारी उकेरवाने सहित कुल 8 मांग की है। वहीं राधाकुंड कुंजेरा के ग्रामीणों ने राधाकुंड रेलवे स्टेशन जुलहैदी से हटवाकर राधाकुंड में बनवाने की मांग संबंधी ज्ञापन दिया, तो व्यापारी व समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने भी महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। मैं तो यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आया था और ये स्टेशन तो बहुत अच्छा है ना, कि कमाई हमारी पिछले 11 महीनों में 730 रुपये की हुई पर यहाँ तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रखा है और बहुत अच्छा स्टेशन है। BCN न्यूज़ के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में प्रेमिका के घर मिलने गए युवक की जमकर पिटाई, पिटाई से युवक हुआ था गंभीर जख्मी, उपचार के समय युवक की हुई मौत। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र प्रेमनगर आसाफबाद निवासी किताब सिंह का 25 वर्षीय पुत्र पवन किसी लड़की से फोन पर बात करता था। बीती रात लड़की के बुलाने पर वह उसके घर शांति नगर चला गया, जहां लड़की के परिजनों आदि ने देख लिया। उसके बाद उक्त युवक को बुरी तरह पीटा गया, जिसे गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां आज सुबह उपचार के दौरान उक्त युवक ने दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया है। उक्त मामले में थाना प्रभारी रसूलपुर ने बताया कि जानकारी के मुताबिक शांति नगर में किसी लड़की के बुलाने पर उक्त युवक गया था, वहां उसके परिजनों ने देख लिया, फिर उसके साथ मारपीट की, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, वहीं मृत्यु हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। अच्छा, कल लम्बे बुलाए, जल फोन करके बुलाओ, कहा हम जाके घर पे शिकायत करवे गए 15 दिन पहले, कदे को तुम अपने बिटिया रोक लिया शादी कर दो जाके संग में, तो जाके माता है ना हमारे पे गालियाँ आ रही थी कि ऐसे ऐसे कर जो नहीं, पर मोनी जी कहते हम शादी करे को तैयार हैं, शादी पर आ जी थी हमारी लड़ा के मोबाइल में सुबह थाने में बंद है, सुबह रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ज्यादा रात 11 बजे फोन करके बुला लाओ, तब मेरे घर पे कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, तुम पवन आ जा जा लड़ा मेरे चलो गाओ, अब चलोगा बता रहे, फिर वहाँ पे मैं लला को पुरुष उठा के ले गई है, बता रहे मारा सुन दबा दो, 6 आदमी ने मारो है, मैं लला मुझे बयान कर लेके गाँव है, माँ अस्पताल ले गए, अस्पताल में 6 आदमी बता रहा लला तो मम्मी मुझे बांध के मार रहे हुए। थाना रसूलपुर में प्रेम नगर मोहल्ले में रहने वाले पवन नामक एक युवक की, जो कि अविवाहित हैं, सती नगर मोहल्ले में बुलाकर घर पर और 7 व्यक्तियों जो नामजद किए गए हैं, 7 व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। सुबह 3 बजे की घटना बताते हुए एक तहरीर प्राप्त हुई है आकाश नामक नवयुवक की, जो कि मृतक के भाई हैं। तो इस तहरीर पे थाना रसूलपुर में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। मृतक के शव जो कि मोर्चरी में रखा है, उसका पंचायत मामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और जो 7 नामजद व्यक्ति हैं उसमें से 5 व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है और विवेचना प्रारंभ कर दी है, और जैसे आगे विवेचना में कुछ आता है आपको अवगत कराया जाए। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।